मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इतने दिनों से वहां पर आज की जो सत्ता है, आज की जो सरकार है, उसके माध्यम से जिस प्रकार की कवायद, कोशिश, पुरजोर कोशिश, ड्रग माफिया, ड्रग पैडलर्स, ड्रग इस्तेमाल करने वाले बड़े बड़े नाम, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के पीछे जो क्रिमिनल्स हैं उनको बचाने की जा रही है, उसको देख करके एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र में न्याय करवाना बहुत ही मुश्किल आज के दौर में, आज के समय में लगता है। जिस प्रकार से कानून की वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस प्रकार से ड्रग पैडलर्स को बचाने की, ड्रग माफियाओं को बचाने की कवायद की जा रही है, इसको देख करके मन बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो जाता है। रिया चक्रवर्ती जो इस केस की अक्यूज्ड नंबर वन है, उसने आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में जाकर के एक फॉल्स कंप्लेंट सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका के खिलाफ दर्ज कराई है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर वो ऐसा करती हैं तो आईपीसी की धारा 182 के तहत उनको सजा हो सकती है। मैंने दो लाइनें लिखी हैं वहाँ की दम्भी और ये निरंकुश सरकार के लिए, जो आज न्याय नहीं होने देना चाहती है न जाने किन कारणों से सुशांत सिंह राजपूत के साथ और उसके विरोध में जाकर के, जो इस बच्चा इस दुनिया में नहीं है उसके साथ, उसके खिलाफ जाकर के खड़ी हो गई है। सुनिएगा, ड्रग पैडलर हमारी ताई है, हमारे खिलाफ बोलने वालों की शामत आई है। गालियों से बात करना मिस्टर संजय राउत का राजनैतिक संस्कारी स्टाइल है। SSR को न्याय दिलाने की भारत की जनता ने कसम खाई है। क्रिमिनल्स को अब करनी अपने कर्मों की भरपाई है, क्रिमिनल्स को अब करनी अपने कर्मों की भरपाई है। हम सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं, हम उस परिवार के साथ हैं जिसके साथ इतना बुरा हुआ है, और हम बॉलीवुड में तमाम उन लोगों के साथ हैं जिनके साथ बुरा बर्ताव बॉलीवुड करता है। हम ड्रग पेडलर्स के, ड्रग माफियाओं के, हवाला के पैसे वालों के, जो भी लोग अंडरवर्ल्ड से वहाँ पर हमारी संस्कृति को, हमारे बॉलीवुड को, हमारे मुंबई को खराब कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। ये जंग जारी रहेगी तब तक जब तक बॉलीवुड मुंबई साफ नहीं हो जाता, क्रिमिनल्स बिहाइंड बार्स नहीं चले जाते। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की जनता।